हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं HFCL के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट या जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ इस स्टॉक में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ये स्टॉक जो है वो -3.70% गिरा है। और क्या ये और भी गिरेगा या यहाँ पे कोई अपसाइड मोमेंट देगा, उस बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप अपने वन डे के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वन डे के चार्ट पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ये इतने ही 3-4 सेशन में यहीं पर वो कंसॉलिडेट हो रहा है, इतने ही एरिया में, मतलब 94 से लेके यहाँ पे 80 के रेंज में यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है। तो क्या ये और भी डाउन साइड जाएगा? तो ये और भी डाउन साइड जाने की इसकी 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इसका जो रैली जो है 31 मार्च, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी 24 से लगे यहाँ पे उसने 91 का सफ़र यहाँ पे तय किया है। तो यहाँ पे अब आपको इसका डाउन साइड देखने मिल सकता है और भी कंटिन्यूस। तो यहाँ पे मोस्टली कल या परसों में इसका ब्रेकडाउन भी देखने मिल सकता है, 80 के नीचे भी जाते हुए आपको यहाँ पे ये स्टॉक देखने मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और यहाँ पे उसके रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट जो सबसे है वो है 81.95 का, यहाँ पे इसका जो है सपोर्ट जोन, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है इसका 93.15, यहाँ पे इसका जो है वो रेजिस्टेंस बनता है। और फिर यहाँ पे अगर इसने ये उसका जो सपोर्ट जोन है वो तोड़ दिया तो यहाँ पे आपको डाउनसाइड 72 तक की देखने मिल सकती है, बहुत ही इजीली 72-73 के आसपास यहाँ पे आपको इस पर डाउनसाइड देखने मिल सकती है। कल भले ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसाइड, मतलब यहाँ पे जो है कल के दिन आपको 89 तक का यहाँ पे एक अप मूवमेंट देखने मिल सकता है, 88-89 के आसपास, लेकिन फिर वहाँ से आपको वापस एक डाउनसाइड देखने मिल सकती है। तो उसका आपको ध्यान देना है और फिर वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड लेनी है। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।